Hello friends, my name is Harpreet and today I'm gonna teach you how to crack 10th and 12th board examination. Now this is punchline. Say reality is iska koi lena dena nahi. Let's come to the topic. Actually, जब हमारी डेट शीट आ जाती है उस टाइम हमारी निकली फटने लगती है और ये धरती फट क्यों नहीं जाती, मैं इसके अंदर समा क्यों नहीं जाता, इस टाइप के थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं। उनका आना लाजमी है क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। फिर हम उस बंदे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं जिसने पढ़ाई बनाई। साला खुद तो मर के चला गया और पढ़ाई हमारे लिए पीछे छोड़ गया। जब एग्जाम बिल्कुल करीब होते हैं तब हमारी रिएक्शन क्या होती है कि हमें पढ़ना भी नहीं और हमें डरना जरूरी है। तो भाई पढ़ ले, किसने तेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ। लेकिन कैसे पढ़ ले भाई, सोशल वेबसाइट्स और सोशल ऐप्स, इन सब का भी तो बोझ इन नाजुक कंधों पर है क्या? और बात बची फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब का मिलान कैसे करते हैं? इनके बिना तो सुबह की टट्टी भी मारी ना निकलनी। फिर एक रास्ता हमें नजर आता है और वो है गॉड। तो हम भगवान के पास जाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान, बस इस साल किसी तरह पास करवा दें। अबे चूतिए, ये बता कि भाई जब तू ब्लैंक शीट छोड़ के आएगा तब तुझे कौन पास करेगा? तेरा बाप भी खुद बैठा होगा ना वो कॉपी चेक करने, वो भी कॉपी फाड़ के फेंक देगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जैसे नमूनों को देखकर भगवान को भी कभी कभार डाउट होता है। को डाउट ये होता है कि मैं ही भगवान हूँ कि अब मेरे ऊपर भी कोई है, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ और इतनी स्टूपिड से क्रिएशन का कॉपीराइट मेरे पास कैसे हो सकता है? खैर कम टू द टॉपिक, जब डेट शीट आती है, एग्ज़ाम बिल्कुल करीब होता है, तो जो स्टूडेंट की कैटेगरी है ना वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, ए बी सी। ए टाइप ऑफ स्टूडेंट, बी टाइप ऑफ स्टूडेंट एंड सी टाइप ऑफ स्टूडेंट। जो ए टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो बड़े यू नो स्टूडियस टाइप के, रजा, बड़े मैच्योर, उनको डेट शीट से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि हमारे लिए कि फ्राइडे को न्यू रिलीजेज हुई, उनसे हमारा लेना देना कुछ नहीं, क्या उनको तो कभी भी देख लेंगे जाके, कोई फाइट नहीं। उसी तरीके से इन बंदों का डेट शीट से कोई लेना देना नहीं कि क्योंकि जब तक डेट शीट आती है इन बंदों का करीब 5 to 6 टाइम रिवीजन पूरा हो चुका होता है, तो इन्हें कोई फाइट ही नहीं। इनको देख कर तो यू नो जो टीचर होते हैं उनको बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है। मन ही मन जब क्लास में एंटर करते हैं तो सोचते रहते हैं कि इनसे परमिशन ले लूँ कि भाई मैं अंदर आ जाऊँ कि बाहर ही खड़ा रहूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत तुझे है नहीं और एक कृपा तू हमारे ऊपर बस करते रहना बेटा कि उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछकर हमें क्लास के बीच में जलील मत करना। तो ये होते हैं ए टाइप के स्टूडेंट्स, ए कैटेगरी के। अब आती है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं वो साले बड़े कमीने होते हैं, उन्हें मिर्ची होती है, दे आर सेट, इनका सब कुछ प्रिपेयर है, इन्होंने सब कुछ तैयारी कर रखी है, सारा सिलेबस कंप्लीट है, सारा रिवीजन है, लेकिन एक खुजली है, एक सुलेमानी कीड़ा इनके भी है और वो है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये हमें फ़ोन करेंगे और उसके लिए शिकार ढूंढेंगे हमारे जैसे बंदे सी कैटेगरी के, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, निर्भटे सन्नाटा, और फ़ोन में बात करेंगे, हेलो हाय उदय, और भाई कैसा है और कैसी चल रही है प्रिपरेशन? मैं भाई अभी तो मैथ्स का 3rd चैप्टर कंप्लीट किया। क्या बात कर रहा है, 3rd चैप्टर कंप्लीट किया? क्यों भाई, तेरा कौन सा चैप्टर हो गया? भाई मेरा तो मैथ्स पूरा कंप्लीट है भाई, मैं तो इंग्लिश पे आ गया, इंग्लिश का भी आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तेरी बहन भी, अब आप देखो जो कुछ मोरल बचा भी था वो भी गया, घंटा पास होना है, कहाँ से पास होना है। अब आती है कैटेगरी सी कैटेगरी के स्टूडेंट जो होते हैं बिल्कुल हमारी तरह होते हैं,
निलवटे से बैठा, जब कुछ भी नहीं आता। इनसे अगर कोई बंदा ये पूछ ले कि बेटा ये बताना कि जो परसेंटेज एरर करके एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, वो आपकी किस सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है कि मैथ का है, तो इनके रिएक्शन क्या रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि स्मार्ट नहीं है, ये बहुत स्मार्ट है, ये दिमाग में इस पजल को सॉल्व कर रहे हैं। अक्कड़ मक्कड़ मम्मी बो 80-90 पूरे 100-100 मेरा का धागा, चोर निकल के भागा, चोर को पकड़ लो रस्सी में जकड़ लो, चोर मम्मी माफी उसको ले लो ऑफ। केमिस्ट्री में। अब ये रिप्लाई सुनने के बाद जिस बंदे ने क्वेश्चन करा होता है उसके रिएक्शन और वियर्ड होते हैं कि साला किस चूती से मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। खैर, अच्छा एक मजे की बात और है कि ये सी क्लास के जो सी कैटेगरी के बंदे, इनका फर्रे बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में वही आना जो इनके फर्रे में नहीं होना, तो फर्रे में मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, टोटल टाइम ऑफ। अच्छा, मैंने जो ये क्रैक बनाया है, क्रैक किया है एग्ज़ाम को, वो केवल ये सी कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए है ना। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, शायद ही आप काम आए, आई होप। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, पूजा पाठ करना है और ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैंने जो पाप किए हैं उनका बदला तू मुझसे अभी मत ले, अगर लेना भी है तो इंस्टॉलमेंट में ले, एक साथ में ले। और उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन बैग उठाना है और चालू हो जाना है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100, ऐसे कर करके आपको आपके क्वेश्चन बैग में क्वेश्चंस मार्क करने हैं। और एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो कम से कम यार रेडी कर ही लो, ऑनेस्टली, अदरवाइज शायद तुम्हारा लक काम आ जाए और गॉड तुमको सही मार्क पे ले और तुम्हारे एग्जाम्स क्लियर हो जाए। Thank you for listening. This is Arpit. And if you like my video, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you so much.